फोर देखिए, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इफ द एरर इज 1% एंड मेड एरर 1% इज मेड इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करेंगे एरर इन एक्स में, जो कि डेल्टा एक्स होगा, और किसका 1% ऑफ एक्स का, यानी कि 1/100 एक्स, ये आ जाएगा 0.01 एक्स, एक्स में इतना एरर होगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया। अगर बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, तो हो जाएगा 6 × 8 का स्क्वायर। फिर अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डी एस बाई डी एक्स जो हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे एरर इन सरफेस एरिया, S, जो कि होगा डेल्टा S, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी एस बाई डी एक्स और इंटू में डेल्टा X के, यानी कि 12x और इंटू में 0.01x के। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.12 एक्स स्क्वायर, समझे ना जी। चलिए एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये क्या हुआ, सरफेस एरिया में एरर। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर ना, परसेंटेज एरर इन इन सरफेस एरिया, इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एस बाई में सरफेस एरिया और इंटू में 100। ये हो जाएगा 0.12x², सरफेस एरिया हो जाएगा 6x² और इंटू में 100। x² कैंसिल, इसको हम लोग काट देंगे तो आ जाएगा 0.02 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2% हो जाएगा परसेंटेज एरर, समझ गए। अगला क्वेश्चन।